भाई लोग बैठे हैं, आग जला के उनसे बात करा जाए। गाड़ी अच्छी नहीं चलाते चंद्रवाला के लोग लोग लोग। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल बेकार हैं। बेकार? मैं एक यूट्यूबर हूँ, हम लोग न्यूज़ में कंटेंट कवर करते हैं। हम लोग 24 राज्य कवर कर रहे हैं 24 इलेक्शन के पहले, तो ये तो अपना कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। अच्छा चलिए, वो भी ठीक है, अभी चलो। मेरा नाम सार्थक है भाई। भाई सिंह। अरे कोई नहीं सर, सुन तो लो पहले यार, सुनने में क्या जा रहा है। भैया एक सेकंड बात कर सकता हूँ आपसे? अरे नहीं, आप सबसे। आप लोग क्या करते हैं वैसे? स्टूडेंट ही है भैया। स्टूडेंट हैं आप? कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। कैट की प्रिपरेशन? मैं एमबीए कर रहा हूँ इंदौर से। नमस्कार भैया, बैठ जाऊँ यहाँ पर? अरे ये क्या डाल रहे हो आप इसमें? ठंडी लग रही है ना, इसलिए आप भी बैठो। अच्छा, आपको किसी ने बोला आप अरशद वारसी ऐसे लगते हो? नहीं, आप ही ने बोला। मैं तो शाहरुख खान समझता था यार। अरशद वारसी बोल रहे हैं आप? गजब बेइज्जती है। तो संडे भारत की जर्नी में अभी हम हैं छिंदवाड़ा में। अब छिंदवाड़ा जो ये शहर है, इसको आप बीजेपी के स्टेडियम में कांग्रेस की पिच कह सकते हो। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है काफी टाइम से, अभी दोबारा से चुनाव के है, और छिंदवाड़ा की जो सारी सीट्स हैं वो कांग्रेस को जाती हैं, क्योंकि ये गढ़ है कमलनाथ का, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हैं। इनफैक्ट गांधी परिवार के क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं। और जितना अभी तक हम लोगों ने छिंदवाड़ा के बारे में लोगों से बात की है, हमें पता चला है कि भाई पिछले कुछ समय में छिंदवाड़ा का विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। अब कितना अच्छा हुआ है, लोग कितने खुश हैं, कांग्रेस के बारे में, कमलनाथ के बारे में, बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, चलते हैं देखते हैं। वेलकम टू द संडे भारत सीरीज। 24 स्टेट्स इन 2024। दिस इज अ जर्नी टू अंडरस्टैंड इंडिया, और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम भैया अपना? जगदीश पालीवाल। जगदीश पालीवाल जी, हमारे यहाँ जो झांसी में जलेबी बनती है ना, वो भी बिल्कुल ऐसी ही बनती है। आप थोड़ा पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है ना? सारी सीट्स कांग्रेस को जाती हैं। अभी विधानसभा की तो गई है, पीछे इंदिरा जी की मूर्ति भी है। मैं पहली जगह देख रहा हूँ मैं इंदिरा जी की मूर्ति पूरी जगह पे। यहाँ पे तो काफ़ी समय से बीच में थी, वहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट किया गया इसको। कमलनाथ की क्या इमेज है यहाँ पे? अच्छी। अच्छी है? काम किया? नहीं। मतलब अच्छा काम नहीं किया तो अच्छी इमेज क्यों? क्योंकि पहले से शुरू से वो यहीं है। अच्छा। पिछले शायद 30-35 साल से यहीं से वो विधायक और सांसद भी रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस लेवल का उन्होंने किया नहीं। यहाँ पे कांग्रेस जीतती है, वो क्यों जीतती है? या तो वजह होगी या तो काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस काम करती है। चलो एक जगह तो मिली, यहीं पे काम करती कांग्रेस, क्योंकि कमलनाथ पैसा लगा था ऊपर से, फंड भी नहीं तो वो अपने अपने हिसाब से लगा देते हैं। तो मतलब कमलनाथ के चक्कर में जी? नहीं, जनता अंधभक्त काम है कांग्रेस का, जनता अंधभक्त है। ये बीजेपी वाला आदमी मोदी। 7 विधानसभा सीट है यहाँ पर, अभी अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए। पूरा पूरे एमपी में बीजेपी सभी जगह से आई है, लेकिन छिंदवाड़ा से नहीं है, क्योंकि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट का फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अब जैसे यहाँ से बीजेपी के विधायक वहाँ पे कुछ मांगने जाए भोपाल में कि हमको हॉस्पिटल चाहिए, ब्रिज चाहिए, तो वहाँ पर क्या बातें होती है कि तुमने दिए क्या? 0 out of 7। आपको पर्सनली कौन सी अच्छी लगती है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी हाँ। फेवरेट लीडर आपके कौन है? फेवरेट मोदी जी हैं अपने तो। मोदी जी, सीधी सी बात है, मोदी मोदी मोदी। नितिन गडकरी। मोदी जी नहीं बोला आपने? नितिन गडकरी इसलिए क्योंकि मैं, ये मेरा छिंदवाड़ा होम टाउन है जरूर, लेकिन ज़्यादातर मेरी वर्किंग नागपुर में रहती है, लेकिन बाय रोड मैंने पूरा इंडिया घुमा हूँ, लगभग पूरा इंडिया। हम भी वही कर रहे हैं सर, इंडिया घूम रहे हैं। तब के टाइम पे बाय रोड घूमना और अभी के टाइम पे बाय रोड घूमना में बहुत फर्क है, बहुत। नितिन गडकरी ने बहुत शानदार काम किया। योगी को योगी। अच्छा व्हाट अबाउट राहुल गांधी मैन? बिग नो। बिग नो? व्हाई नो मैन? क्योंकि वो बात तो पहले सही से कर ले।
ये कोई नहीं, बात नहीं, ये देखो एजुकेटेड वो भी है, बस एक एक कमी है कि वो लीडरशिप नहीं कर पाता। मतलब दो पक्षीय बात करते हैं, मतलब एक बात नहीं करते हैं लोग, सपोर्ट उनका करते हैं माइनॉरिटीज का, बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं, ये बात बहुत बहुत ज्यादा गलत है। जो अभी मंदिर की ओपनिंग के लिए उसको इनविटेशन भी गया था तो वो जा सकता था उसमें, उसने सीधे नकार दिया। अच्छा, अभी जो मोहन यादव जी आए हैं अपने नए मुख्यमंत्री, इनका नाम भी सुना था आपने पहले? नहीं। ये अपने जो नए सीएम बने हैं मोहन यादव जी, इनका नाम सुना था आपने सीएम बनने से पहले? नहीं नहीं सुना है। कोई नाम कहाँ से आएगा, विधायक थे, विधायक थे ना, हम जिससे भी पूछ रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने भैया अपने मुख्यमंत्री का इससे पहले नाम नहीं सुना था। नहीं आया था अभी तो। जानते नहीं हो तुम मुझे, मैं बहुत बढ़िया वो हूँ शेफ, शेफ हाँ न्यूज रिपोर्टर। अरे मैं बढ़िया बनाता हूँ अपना। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, अपने छिंदवाड़ा में जब अभी 24 का चुनाव आ रहा है तो यहाँ पे छिंदवाड़ा के मुद्दे ज्यादातर क्या रहेंगे? छिंदवाड़ा के मुद्दे तो ऐसे विशेष खास है नहीं, वही जो सबका रहते हैं वही मुद्दे हैं, बाकी आजकल एक ही चीज चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, और क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। ये तो देखो मुझे लगता है कि ना माहौल बनाया जाता है, रोटियां सब सीखते हैं, है ना, सीधी बात है। धर्म और ये इसको अलग कर दो, बस बात करता हूँ। हाँ, धर्म को थोड़ा सा साइड में रख के बाकी धर्म के नाम पे लोग बढ़ना नहीं चाहिए, बस सही रहे। धर्म को भी मेरे हिसाब से साथ में रखना चाहिए, लेकिन हाँ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी देखना चाहिए। काम धंधा बोले उतना नहीं है, काम धंधा उतना नहीं है, मतलब बेरोजगारी टोटल, बेरोजगारी छे यहाँ पर, क्या कंपनी नहीं है कोई, एमएनसी नहीं है ना यहाँ ज्यादा, एक ही है हिंदुस्तानी यूनिलीवर, वो जो अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है, वो ही बात है। पार्ले जी की फैक्ट्री है, पार्ले जी की फैक्ट्री यहाँ है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार रुपए बहुत हुआ। हाँ, अगर वो नाइट वाला क्या रहता, वो कमलनाथ ने बनाया था एक, अरे वो बकबक बकबक करते, जो बकबक बकबक करते क्या कॉल सेंटर, तो उसमें भी क्या 6-7 हजार रुपए पेमेंट थी क्या? 8 हजार 8 हजार तो ऑटो का खर्चा दे रहे होंगे ना महीने की? सिर्फ पेमेंट, और कहाँ पर है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर इमलीखेड़ा, और फिर भी लोग जा रहे हैं काम करने हैं। जाते, अरे भाई करना ही है ना, बेरोजगारी ज्यादा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो अभी इतने खड़े हैं यानी सब बेरोजगारी, बैठिए ना भैया, आप खड़े रहे हैं, मेरे को बुरा लग रहा है, आप बैठे। 95 का एमए किया हूं मैंने पीजी कॉलेज से। अच्छा, कोई नौकरी नहीं, मजदूरी कर रहा है। अच्छा, हम तो ये कहते सबसे पहले कोई हो आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, जाति के आधार पर पद नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे के आधार पर होना चाहिए। आप आदमी खड़े यहाँ से जो दौड़ लिए, जो पहला आएगा उसकी नौकरी होनी चाहिए, दौड़ने में जो वजन उठाएगा, उठा ले जो गाड़ी, उसकी नौकरी होना चाहिए। 24 के चुनाव आएंगे, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे अपने मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश को कम से कम कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाए, जैसे छिंदवाड़ा से अभी हमारे यहाँ से ट्रेन जो चल रही है केवल यहाँ से दिल्ली के लिए है, भोपाल के लिए है बस, और जो कि अभी ब्रॉडगेज लाइन भी पूरा कनेक्टिंग हो गया है नागपुर से जबलपुर, रीवा के लिए भी ट्रेन चालू हो गई है। तो जबलपुर और रीवा से तो सीधे हम लोग जुड़ गए हैं बड़ी रेल लाइन से, हालांकि पहले भी बाय रोड अच्छे से कनेक्टिविटी थी, लेकिन चूंकि अब ब्रॉडगेज पूरी लाइन हो गई है तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन जो नागपुर से जबलपुर जाती है वो छिंदवाड़ा से अगर कुछ ट्रेन डाइवर्ट होके जाए तो ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट होगा, और मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, रेल कनेक्टिविटी अच्छी होना चाहिए। हाईवेज भी यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, सभी जगह रोड्स का अच्छा काम है लेकिन यहाँ नहीं हुआ। भाई पेट्रोल सस्ता करो, मेरी तो एक ही बात है। पेट्रोल का क्या दाम है मध्य प्रदेश में? 116 रुपए 116। और बियर का क्या दाम है? बड़ा हरामी हो। मैं तो कहूँगा इन्फ्लेशन महंगाई, हाँ इन्फ्लेशन होगी, महंगाई तो एक ऐसी है हो गई है आज के टाइम में कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, है ना, महंगाई तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो महंगाई बढ़नी स्वाभाविक है ना। उसके चक्कर में अगर अपन नेता को दोष दे या पार्टी को दोष दे तो वो कोई वो नहीं होता, है ना। नहीं, महंगाई कंट्रोल करना काम तो देखो ठीक है, कंट्रोल अब अपन एकदम गर्म ही बिरयानी, क्या मालिक क्या खाना, क्या खाना, बिरयानी खा रहे हो, मिट्टी बिरयानी खा रहे हो तुमने? नहीं यार, जलेबी खाने हैं, बिरयानी ना यार वो पैसे रट रहे जा रही, डेली बिरयानी खाते हैं ना, इसलिए बिरयानी। अरे कहाँ से हो भाई आप, कहाँ से हो आप? उत्तर यूपी। कहाँ पे? यूपी बागपत डिस्ट्रिक्ट, बागपत, सहारनपुर, झांसी। जिस ढंग से भाई ने बिरयानी खाना, मैंने कहा ये तो अपनी तरफ वाले हैं, बिरयानी का क्या हिसाब लगा यहाँ पे छिंदवाड़ा का अपन को? अच्छा है, अच्छा अच्छा है, डिसिप्लिन माहौल थोड़ा अच्छा है, सब मौसम भी सबसे बेस्ट मौसम हमारे वहाँ पे, तो सर्दी ज्यादा है। चलो भैया, भाई लोगों को बिरयानी जलेबी लगा दोस्तों, मेरे को भी बढ़िया अच्छा लगा भाई मिलके, अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे गुटके के नाम पे यूपी का नाम बड़ा बदनाम कर रखा है, यहाँ पे अभी हम एमपी में हैं और यहाँ पे मिल रहा है नागपुरी खर्रा, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र एमपी यहाँ कवर हो गया, फिर जब गुजरात में जाओगे तो सूरत में सूरती मिलती है, मतलब गुटका खा सब रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? यूपी वाले। दौलत में आग लगा के
खेल खेला है, कोई पूछे तो बता देना बूरा का ढेला है। अरे भाई साहब, बूरा भाई कौन है यहाँ पे? भौकाली आदमी है फिर अपना। अच्छा मैं तो दिल्ली से आता हूँ, तो दिल्ली में सरकारी स्कूल, एक तो आपने सुना ही होगा कि वहाँ पे सरकारी स्कूल काफ़ी इम्प्रूव कर दिए हैं, तो गुजरात में भी हमने सरकारी स्कूल देखा, एक हद तक उतना दिल्ली जितना बेहतर नहीं पर एक हद तक ठीक स्कूल था। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कैसे? खत्म है। हाँ, घोड़ा का गधा बन रहा है, गधा घोड़ा बन रहा है। अब आप अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को पूछूंगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, नहीं बनता लोगों को। एक्सलेंस में पढ़ रहे बच्चों के, एक्सलेंस की स्पेलिंग नहीं बनती, एक्सलेंस कैसे लिखते हैं? शिक्षा खराब है, मतलब शिक्षा यहाँ खराब, फेब्रुवरी की स्पेलिंग लिखते नहीं आता, लोगों को 80-90 हज़ार पेमेंट ले रहे हैं, उनको खुद ही नहीं आता। यहाँ का छिंदवाड़ा का सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा? दिल्ली पब्लिक स्कूल है, फर्स्ट है, विद्या मूवी है, ऐसे दो तीन स्कूल है, पर वही है कि वहाँ की अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ के लोग की फीस 1,00,000 रुपए 85 कितने ऐसी कुछ पहुँच जाती है, 1,00,000 रुपए पहुँच जाती है। रोजगार इतना है और उसमें भी 10 चीज है, कहाँ से करेगा गरीब इंसान? कमाने वाला आदमी कहाँ से पढ़ा लेगा आपको इतने पैसे में? ये तो आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं टेक्नीशियन हूँ। हम तो पढ़ा ही नहीं सकते ना इतने, कमाएंगे कमाई उतनी नहीं है, 500-1,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं आप दिन का, तो आप फिर बड़े स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? फिर स्कूल कापी किताब पुस्तकें महंगी, ड्रेसे महंगी, फिर टाई लग रही है तो मोजे ये होना, तो जूते ये होना, तो अलग ये होना। आप लोग न्यूज चैनल देखते हो? बहुत कम देखते हैं हम लोग, मोबाइल में दे रहे हैं सब न्यूज। अरे उसके दिखा दो, मोबाइल में दिखा दो, टीवी चैनल में तो सिर्फ बाहर का बताता, कहीं का भी वो ये खत्म हो गया, वो वहाँ वो लड़ लिए, वो देश ने इसकी ऐसी कर दिया। अब जैसे यहाँ घर टूट रहे थे उस समय वो यूपी में, वो तो दिखाई नहीं रहा था। तो ऐसा एक आध न्यूज चैनल का लगता है या सारे ही न्यूज चैनल अब आजकल ऐसे? सब ही ऐसे हैं, हमको तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। कोई एक पत्रकार जो आपको लगता हो कि यार एक तो ठीक है कम से कम? रविश कुमार, लेकिन अब तो वो भी टीवी पे नहीं रहे, वो भी तो अब यूट्यूब पे, तो उनको यूट्यूब में देखा जाता है। जिस प्रकार की उनने मीडिया का जो सही में सम्मान करना चाहिए, तो रविश कुमार होता क्या है कि हम जाते हैं लोगों से बात करने, है ना, करने, और ये देखते हैं ना लोग, तो लोगों को लगता है कि यार ये न्यूज का तो नहीं आ गया आदमी, ये ऐसी बात करके 4 बाइट लेके फिर ऐसा हमारा वो मुस्लिम करा दे। तुम सच बताओगे कुछ, तुमने कहीं और सच्चाई कर ली है तो तुम्हारे चैनल ही गायब हो जाएगा। नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, काट देना भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। अच्छा लास्ट थिंग, एमपी में जब चुनाव होंगे तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कौन आएगा, किसकी किससे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी? आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। ये एक है कांग्रेस ही बनना चाहिए, कांग्रेस बनना चाहिए बहुत जरूरी है। अभी 2024 में तो बीजेपी यहाँ पे, हम लोग कांग्रेस और बीजेपी वाले नहीं, जिसका काम है हम उसके साथ। अच्छा चलो काम पे, अगर हम बोले तो हमारे शहर में जो काम करती है वो कांग्रेस है। कांग्रेस। अच्छा पॉलिटिक्स कितना सही टॉपिक है, नहीं ऐसे बैठे रहो, चार लोग चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, खत्म। पॉलिटिक्स और क्रिकेट, क्रिकेट कोई देखता है? क्रिकेट तो सभी देखते हैं ना, पॉलिटिक्स और क्रिकेट इंडिया में जान बचता है इसमें। आज की डेट में बस एक चीज खराब है, अगर कोई भी अगर दूसरी अपोजिशन पार्टी के बारे बोल देता है तो बाय मतलब बाय डिफॉल्ट वो मुसलमान साबित हो जाएगा, या कांग्रेसी हो जाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा। जैसे कि मैं बीजेपी का फैन नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, अच्छे किए, बीजेपी आई थी तो भारत स्वच्छ हुआ है, मैं बोलता अच्छे काम कैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उसका अगेंस्ट बोल देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट में मुसलमान, बाय डिफॉल्ट में एंटी नेशनल। चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करके, बहुत बढ़िया भैया। एक्चुअली हमने मूवी बनाए थे, गोस्ट शॉर्ट स्टोरी है, गोस्ट हॉरर स्टोरी बनाए थे। क्या स्टोरी है उसमें? वही है कि तीन दोस्त लोग हैं, और मूवी के जो भी भाई के रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में डालो, क्लिफहैंगर भी डाले, अगर पार्ट 2 बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। अच्छा चलो फिर एक बार यही बोलो, गोस्टी कह दें, 3-2 गोस्टी कह दें।